अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश विदुषी का प्रणाम। मित्रों, ग्रहों के अनिष्ट फल देने की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। आपके जीवन में दिखाई देने वाले लक्षणों और संकेतों के आधार पर, यानी किन संकेतों से, किन लक्षणों से ये पहचाना जाए कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह अनिष्ट परिणाम दे रहा है, बुरे फल दे रहा है, ये कमजोर है। हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु और शुक्र सारे ग्रह हमने ले लिए हैं। आज हम लेने जा रहे हैं शनि। शनिदेव न्याय के रिप्रेजेंटेटिव। हमारी कुंडली में शनि अगर बुरे परिणाम दे रहे हों, अनिष्ट कारक हों, कमजोर हों, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको अंधेरे से बेहद भय लगता हो या भय लगने लग गया हो अचानक, तो यानी शनि देव जो है बुरा परिणाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। दूसरा, बार बार आपके घर में चोरी हो जाए, आपके सामान चोरी हो जाए, या बार बार आप इस प्रकार से उन्हें रख के भूल जाए कि वो वापस दोबारा ना मिले, बार बार चोरी हो जाना या अपने एसेट्स की, अपने सामान की, अपनी वस्तुओं को आप खुद इस प्रकार कहीं रख के भूल जाए कि वो वापस कभी मिले ही ना, आपको याद ना आए कि वो कहाँ पड़ी है, इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो शनि आपकी कुंडली में कमजोर है या बुरे परिणाम दे रहे हैं। कोई आपके साथ दगा हो, बार बार कोई धोखा करे, कोई ठगी करे, बार बार आपकी कोई आपका पैसा चुरा ले, आपसे कपट कर ले, इस प्रकार की स्थितियां बनती हो, तो भी शनि आपके लिए ठीक नहीं है। बार बार आपको नजर लग जाए, नजर या टोक जिसको बोलते हैं ना, किसी को हाय लग जाए, नजर लग जाए, टोक लग जाए, बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए शनि ठीक नहीं है। नौकर ना टिकते हों, नौकर आपको धोखा दे देते हों, आपके नौकर ही आपकी चोरी, आपके यहाँ चोरी कर लेते हों, तब भी मान के चलिए शनि ठीक नहीं है। बाल झड़ने लग जाए, तनाव लेने की आदत पड़ जाए, बाल झड़ने लग जाए, खासतौर से सिर के और आईब्रोज के बाल भी इसमें झड़ने लग जाते हैं शनि के अंदर। आईब्रोज के बाल कम पड़ जाते हैं और सिर के बाल तो झड़ते ही झड़ते हैं शनि अगर बुरे परिणाम देता है तो। लगातार आपका तनाव रखने की आदत हो जाए, नींद कम हो जाए, अनिद्रा हो जाए, या नींद कम लेने की आपकी आदत पड़ जाए, देर से सोना, देर से उठना, इस प्रकार का आपका दिनचर्या बन जाए, तो समझ लीजिए कि शनि का अनिष्ट प्रभाव शुरू हो चुका है। कोर्ट कचहरी, किसी मुकदमे में फंस जाना, जेल यात्रा के योग बन जाना, ये भी शनि के काम है। अपयश हो जाना, आपको झूठे आरोप में फंस जाना, किसी प्रकार का कलंक लगना, बेइज्जती होना, अपमान होना, समाज के अंदर तिरस्कार होना, ये सब शनि देव की कार्य प्रणाली है। रोगों में बात की जाए तो गठिया आपको हो सकता है, जोड़ों में दर्द अगर है, वात रोग है, जोड़ों के अंदर, शरीर के किसी भी जोड़ में वात रोग है, गठिया रोग है, तो मान के चलिए कि शनि देव की कृपा है, शनि देव की वजह से ये हो रहा है, शनि देव अनिष्ट फल दे रहे हैं। आप किसी यात्रा पर जाते हैं, यात्रा आपकी कभी सफलतादायक ना हो, यात्रा आपकी शुभ फलदायक ना हो, यात्रा में आपको, ट्रेवलिंग में आपको बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, उनके उपाय आपको करने चाहिए। आपके मकान में बार बार रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ रही हो, बार बार कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ चलता ही रहता हो, कभी प्लम्बर बुलाया, कभी मैकेनिक बुलाया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ टूट फूट गया मरम्मत रिपेयरिंग में, अगर बार बार मकान में ये हो रहा है तो भी आपको शनिदेव की परेशानी हो रही है, शनिदेव समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। या फिर आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है, आप बरसों से किराए के मकान में ही रहते आ रहे हो, यानी आपका शनिदेव के ऊपर, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं है। किसी प्रकार का व्यसन हो जाना, किसी प्रकार की बुरी आदत का शिकार हो जाना, लत का शिकार हो जाना, शराब मुख्य रूप से, अगर आप शराब पीने की आपकी आदत है और वो नहीं छूट रही है, तो आप मान के चलिए आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि आपके अनिष्ट कर रहे हैं, और उस शराब पीने की वजह से ही आपका और ज्यादा शनि बिगड़ते जाएंगे, वो आपको उकसाएंगे, सही रास्ते पर चलते चलते भी आपको शराब की लत लगवाएंगे, फिर उस शराब की लत से वो और ज्यादा बिगड़ेंगे, इस प्रकार का कार्य प्रणाली है शनि का। वो आपको टेस्ट करते हैं, हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके हजार मन करने पर भी आपने अगर शराब को छोड़ दिया, तो मान के चलिए कि शनिदेव का आशीर्वाद आपको पूरा
पूरा मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति की चलने फिरने की गति धीमी हो जाती, काफी धीरे धीरे उनकी चाल हो जाती, बाइक धीरे चलाने लग जाएंगे, खुद की चाल भी धीरे हो जाएगी, काम करने का स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी शनि अगर लग रहे हैं तो। चेहरे पर अचानक झाइयां हो जाना, ब्लैक हेड्स हो जाना, चेहरे पर एक अजीब सा कालापन हो जाना, डार्कनेस आ जाना, या जैसे धूप में निकलने के बाद जो होता है ना चेहरे पे कालापन आ जाना, इस प्रकार चेहरा काला पड़ जाना, ये भी शनि के लक्षण हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको हमेशा नुकसान होना, जैसे अभी बोलना नहीं चाहिए कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, कोई जिसका किसी का एक पांव ठीक नहीं है, एक आँख नहीं है, कोई काना व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा की तरफ अगर आपका मुख आपका मकान है तो आपको हमेशा उसमें परेशानी ही रहेगी। शनि की पीड़ा अगर है तो पश्चिम दिशा का मकान आपको पश्चिम मुखी मकान कभी सूट नहीं करेगा। एक आंख का व्यक्ति आपको सूट नहीं करेगा, एक पांव का व्यक्ति सूट नहीं करेगा। किसी में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है किसी मनुष्य में, तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति आपको कभी सूट कर ही नहीं सकता अगर आपकी कुंडली में शनि बुरे परिणाम दे रहा है तो। नास्तिक हो जाना यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। अपने देवताओं की निंदा, गुरुओं की निंदा, या अपने संस्कारों की निंदा करना, उन पर विश्वास उठ जाना, ये सब शनि के लक्षण, व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। अहंकार पनपना, घमंड पनपना, ऐसा अहंकार की अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर जाएगा ऐसा आदमी अगर शनि बुरा हो रहा है तो, ऐसा व्यक्ति को एक तरह से उसकी आंखों पे उसकी बुद्धि पे पर्दा डल जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, उसको अपने लाभ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, अपने ईगो इतना ईगोइस्ट हो जाता है कि वो चाहे फिर स्वयं का नुकसान हो जाए लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी हट से पीछे नहीं हटता। शनि अगर खराब है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म होने लग जाएगा, धीरे धीरे एक अजीब सी उदासी आपके कैरेक्टर में आपकी पर्सनैलिटी में आने लग जाएगी, हंसने को बहुत दिल नहीं करेगा, बाहर निकलेंगे तो घर में आने का मन करेगा, घर में है तो बाहर जाने का मन करेगा, इस प्रकार से अस्थिरता आपके दिमाग में बनी रहेगी, कहीं दिल नहीं लगेगा। आपके फादर को कष्ट हो सकता है, अगर शनि आपके खराब है तो आपके फादर के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार की पीड़ा आ सकती है, या आपके फादर से आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी, आपके फादर से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। 36 वर्ष की आयु तक आपके निरंतर कठिन समय आपने देखा है, अब 36 वर्ष के बाद अगर आपका समय ठीक आया है तो मान लीजिए कि शनि की दशा उतर गई, शनि का समय निकल चुका है, आपने शनि की वजह से बहुत भोग लिया है। जुआ खेलने की आदत हो जाना, लगातार धन की कमी हो जाना, लगातार धन, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो बहुत कॉमन इसका सिम्टम है कि धन कमी हो जाना और कर्जा हो जाना और ये सब चीज़ें, जो ठगी होना, आपके साथ धोखा हो जाना, ये सारे जितने मैंने बताए हैं ये सब कुछ शनि देव की कृपा है। और शनि अगर बहुत खराब हो जाए कुंडली में, भगवान न करे किसी की कुंडली में शनि अगर बहुत 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 खराब है तो उस व्यक्ति का जीवन नरक से भी बदतर है, ये आप अभी से लिख लीजिए। इसलिए शनि देव की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं बहुत सारे उपाय पहले भी बता चुका हूँ, अगले एक वीडियो में मैं बिल्कुल शनि देव के उपाय बताऊंगा, लेकिन इसमें एक बोनस के रूप में सुनते जाइए, कम से कम अपने आप को आप ईमानदार रखिए, जितना धार्मिक रखेंगे, जितना ईमानदारी से जीवन जिएंगे, शनि देव आपके प्रसन्न होने लग जाएंगे। चलिए इसी के साथ अभी वीडियो में संपन्न करते हैं, मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके लोगों में फैलाइए, कमेंट कीजिए, कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, ना लगे तो कमेंट कीजिए, सारी चर्चाएं हम इस पर कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश चौधरी जब से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वभौम सुखी।